हेलो एवरीवन, आज अपन i10 मैग्ना पेट्रोल वर्जन इसका रेडिएटर फ्लश करेंगे और साथ ही कूलेंट चेंज करेंगे। अभी कार इस समय ठंडी है और जैक के ऊपर माउंट कर रखा है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम है, और इस समय अभी लोअर रेडिएटर होस मैं खोल रहा हूँ जिससे कि पूरा पुराना कूलेंट इसका बाहर निकल जाएगा। याद रखिएगा, गाड़ी ठंडी होनी चाहिए क्योंकि कूलिंग सिस्टम हमेशा प्रेशराइज्ड होता है गर्म होने पे। इससे सीवियर इंजरीज भी हो सकती है, बर्न्स भी हो सकते हैं। अभी कूलिंग अच्छे से ड्रेन हो सके इसके लिए अपन थोड़ा ऊपर जाके रेडिएटर के कैप को खोल देंगे जिससे कि कूलिंग इजीली ड्रेन हो जाएगा। ये आप अभी कंडीशन देख ही सकते हैं क्या कंडीशन है हमारे कूलेंट का, और काफ़ी कचरा, डस्ट, डिब्रीज, पता नहीं क्या क्या। अभी रेडिएटर को हम रिंस करेंगे डिस्टिल वाटर के ज़रिए, और नीचे का लोअर होस जो है वो ओपन रखा हुआ है ताकि जितना भी अंदर का कचरा होगा वो बाहर निकल जाएगा और रेडिएटर हमारा साफ़ हो जाएगा। ये रिजर्वॉयर टैंक भी हमें भरना है साथ ही में, इसे ना भूलिएगा। अभी नीचे का होस पाइप लगाने के बाद जितना इसमें पानी आना था वो आ गया, अब जाके सीधा कार को स्टार्ट करेंगे। कार स्टार्ट कर देंगे और टॉप अप करते जाएंगे डिस्टिल्ड वाटर, साथ ही कैबिन के अंदर जाके अपन हीटर को फुल पे कर देंगे ताकि पूरा डिस्टिल्ड वाटर हीटर के अंदर से होते हुए उसको भी फ्लश करता हुआ आ जाए बाहर। आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह ये डिस्टिल्ड वाटर बॉयल हो रहा है। थोड़ा बहुत कुछ मात्रा में कूलेंट इसके अंदर है पुराना जो कि अभी फ्लश हो रहा है, परंतु अब आपको इसका महत्व पता चलेगा कि क्यों हम इसे इस्तेमाल करते हैं एंटी फ्रीज का। ये बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा देगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी माइनस में बढ़ा देता है, साथ ही ये अंदर कोरोजन भी होने नहीं देता है। दिस इज़ द यूज़ ऑफ एंटी फ्रीज इन द कार। अभी फ्लशिंग के कुछ टाइम बाद जब कार ठंडी हो जाए तब वापस से इसका पूरा जो पानी है वो निकाल देंगे। ये प्रोसीजर आपको उतनी बार करते रहना है जितनी बार आपका पानी जो है जब आप ड्रेन करेंगे उस समय जब तक वो क्लियर ना निकले तब तक उसे दोहराते रहिए। ओके, सो अब जो ड्रेन पाइप है लोअर होस है इसे वापस टाइट कर देंगे। मेरी यूज़र मैनुअल के हिसाब से जो कूलिंग सिस्टम का रेशियो है वो ये है कि 30% एंटी फ्रीज और 70% डिस्टिल्ड वाटर। एंटी फ्रीज डाल देने के बाद अब हम डिस्टिल्ड वाटर को डालेंगे और उसे पूरा ऊपर तक भर लेंगे। याद रखिएगा सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर और कुछ नहीं।
लेट्स स्टार्ट जहाँ तक ऊपर आ रहा है वहाँ तक भर लेंगे, उसके बाद कार स्टार्ट कर देंगे और वेट करेंगे थर्मोस्टेट वाल्व के खुलने का। जैसे थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा जो कूलेंट है वो अंदर सर्कुलेट होगा और इस तरह साइकिल चालू हो जाएगा और जो अंदर एयर ट्रैप्ड होगी वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगी और कूलेंट धीरे धीरे अंदर जाता जाएगा और हमें टॉपअप करते रहना इस बीच। ये रिजर्वॉयर टैंक को भी टॉपअप करना ना भूले, इसमें भी थोड़ा सा एंटी फ्रीज डाल के ऊपर से डिस्टिल्ड वाटर को टॉपअप कर सकते हैं। अभी कंटिन्यू चालू रखिए गाड़ी को जब तक ये एयर बबल्स निकलते रहते हैं। जैसे जैसे ये बबल्स निकलते जाएंगे अपन का कूलेंट जो है ये नीचे जाता जाएगा। अब इसको टॉपअप करते रहना है हमें, करते रहिए टॉपअप जब तक कि फैन स्टार्ट ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।